अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज हम लोग बनाने लगे हैं काले चने की चाट। काले चने जो हैं वो सफ़ेद चनों की निस्बत बहुत ज़्यादा जायकादार होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं, तो इनकी जो चाट है वो भी बहुत मज़े की बनती है। तो आज हम लोग काले चने की चाट बनाने लगे हैं। उसके लिए हमें चाहिए काले चने 1 कप, वो जो हमने रात को भिगो के रख दिए थे और सुबह हमने इनको बॉईल कर लिया है। आप इनको अच्छे से बॉईल कर लें। देखिए, बॉईल करेंगे तो आपका जो चना है वो बिल्कुल यूं होना चाहिए। अच्छे से जब बॉईल होगा तो आपकी चाट भी इतनी मज़े की बनेगी। इसके अलावा 1 कप चाहिए हमें आलू, वो भी आपने बॉईल करके इनको काट लेना है। और उसके अलावा हमें चाहिए चाट मसाला, चाहिए 1.5 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, प्याज चाहिए 2 अदद दरमियाने बारीक कटे हुए, टमाटर चाहिए हमें 1 अदद, लीमू चाहिए 1 अदद, हरी मिर्ची चाहिए 3 से 4 अदद बारीक कुटी हुई, और धनिया चाहिए हमें 1 चम्मच, काली मिर्च चाहिए आधा चम्मच, इमली हमें चाहिए। हमने इसको भिगो के रख दिया था तकरीबन 20 मिनट पहले, तो आप इसको भिगो के रखते हैं, और अगर चाहें तो आप इसमें से गुठलियाँ निकाल दें। और अगर कुछ लोग होते हैं तो वो इसके अंदर पसंद करते हैं, तो मैंने इसीलिए नहीं निकाली क्योंकि हमारे घर में ये ज़्यादा पसंद की जाती हैं। जितनी जो है ना टार्टरी आप पसंद करते हैं इतनी आप डाल लें इमली की। इमली अगर आप ज़्यादा मिकदार में लें तो भी बहुत मज़े की टेस्टी और खट्टी मीठी चाट बनती है हमारी। जी तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इमली जो है ना उसके अंदर हम लोग जो है वो चाट मसाला, मसाला जात जो है हमारे पास वो हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। काली मिर्च शामिल कर देंगे जी। अच्छे से आपने इन चीज़ों को, इसमें मसाले जो हैं इनको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप हरी मिर्च जो है वो डाल दें, चने डाल देंगे, आलू डालेंगे, जी अब सब्ज़ धनिया जो है वो अच्छा डाल देंगे हम लोग, प्याज शामिल कर देंगे, और टमाटर लास्ट में सबसे शामिल कर देंगे। और इसके अलावा लीमू जो हमें 1 अदद चाहिए था उसका जो रस है वो हम इसके अंदर जोड़ लेंगे। अब सब चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। जी व्यूअर्स, तो चाट जो हमारी है वो तैयार हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। आप लोग चाहें तो साथ में केचप भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का बनता है। केचप के साथ भी आप इसको इसके साथ मिक्स कर दें, केचप डाल के। ये देखिए जी, ये चाट हमारी जो है तैयार हो चुकी है। ये बहुत मज़े की चाट हमारी बनी है, बहुत टेस्टी, बहुत चटपटी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत सिंपल सी रेसिपी है इसकी। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का और लाइक करने का, और आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब भी किया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।